गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 7.8। ठीक, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक फार्मूला है उसी के तो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसमें एक फार्मूला है जिसको बोलते हैं लिमिट ऑफ सम, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम, जिसका फार्मूले का नाम है। मतलब आपसे क्वेश्चन अभी तो नॉर्मल हम चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपसे फाउंडेशन रहेगी कि आप डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम से निकालिए। तो उसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ए से बी फंक्शन एक्स डीएक्स बराबर बी माइनस ए लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट वन अपॉन ए ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ब्रैकेट ए प्लस एच क्लोज प्लस डेटेस एफ ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस वन एच और जहां एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन है। तो इसके थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा हमने एक क्वेश्चन ले लिया 0 से 5 एक्स प्लस वन डी एक्स, इसको लिमिट ऑफ सम से निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने लेट आई इक्वल टू मान लिया, अच्छा ये आपका फंक्शन एक्स है। अब इसमें देखते क्या क्या पता है, ये फंक्शन एक्स हमें पता है, फंक्शन एक्स कितना है एक्स प्लस वन है। ठीक, ओके, और हमें ए यहाँ पर ए की लिमिट 0 है, बी की लिमिट 5 है, ए कितना है 0 है और बी की लिमिट कितनी है 5 है। अच्छा यहाँ एच भी निकाल लीजिए जरा, एच की वैल्यू क्या होती है बी माइनस ए अपॉन एन, तो बी कितना है 5 माइनस 0 अपॉन एन यानी 5 अपॉन एन। ठीक, तो हमने सारी चीजें निकाल दी। ठीक, अब हम सीधे सीधे फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू आ जाएगी। देखिए फंक्शन एक्स हमारा कितना, ये फंक्शन एक्स एक्स प्लस वन है, एक 0 है, बी 5 है, एच इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन होता है, फार्मूला लगाया 5 माइनस 0 अपॉन एन यानी 5 अपॉन एन। अब हम सीधे फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है क्योंकि ए से बी फंक्शन एक्स डी एक्स बराबर बी माइनस ए लिमिट एन इनफाइनाइट 1 अपॉन एन फंक्शन ए प्लस फंक्शन, ये ए है फंक्शन ए प्लस फंक्शन ए प्लस एच प्लस डेट एड्रेस प्लस फंक्शन ए प्लस एन माइनस वन एच। ठीक, ये ठीक, जहां एच इक्वल टू कितना होता है बी माइनस ए अपॉन एन, ये तो इसमें रखा जाएगा। अब हम इसमें रख देते हैं, तो देखिए आई बराबर हमने माना ही है, तो आई बराबर ए कितना है हमारा 0 है, बी कितना है 5 है, फंक्शन एक्स, ठीक फंक्शन एक्स की जगह कितना है हमारा एक्स प्लस वन है, कितना फंक्शन एक्स की जगह क्या है हमारा एक्स प्लस वन है, ये जो जो है वो रख दिए, फंक्शन एक्स की जगह कितना एक्स प्लस वन डी एक्स बी माइनस ए यानी 5 माइनस 0 लिमिट एन इनफाइनाइट एन टेंस टू इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट है 1 अपॉन एन, एन तो हमें पता नहीं, एफ ए रखिए, ए की जगह कितना है ए कितना है 0, तो 0 हो गया यहाँ पर 0, एच कितना आया है एच आया 5 अपॉन एन हो गया प्लस डेट 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 एस एफ ए की जगह 0, एन की जगह एन माइनस वन और एन की जगह कितना है 5 अपॉन एन, जो बस वैल्यू पता है बस वैल्यू हमने रख दी। ठीक, ये हमने वैल्यू रख दी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने कुछ नहीं किया, फार्मूला है एफ एक्स वैल्यू रख दी डी एक्स वही बी माइनस ए यानी 5 माइनस 0 लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट वन अपॉन ए एफ ए कितना है देखे 0 है एफ ए की जगह 0 एच कितना हमने निकाला है 5 अपॉन एन यहाँ एफ ए की जगह 0 एन माइनस वन एच की जगह 5 अपॉन एन हो गया। अब देखिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर 5 माइनस 0 कितना आएगा 5 आएगा, ठीक 5 माइनस 0 कितना आएगा 5 आएगा लिमिट लिमिट एन इनफाइनाइट 1 अपॉन एन यहाँ पर देखिए फंक्शन 0 इसको जरा सही कर लेते हैं, ये फंक्शन 5 अपॉन एन आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस डेट डेट एस फंक्शन एन माइनस 1 5 अपॉन एन यही तो आएगा, देखिए फंक्शन 0 5 अपॉन एन डेट 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 एस यहाँ पर क्या आ जाएगा फंक्शन एन माइनस 1 5 अपॉन एन। आप देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है यहां से रखिए। ठीक, अब हम आपको एक वैल्यू कंडीशन निकालते हैं, देखिए जब फंक्शन एक्स हमारा एक्स प्लस वन था, ठीक तो अगर हम फंक्शन 0 की वैल्यू निकाले तो यहाँ क्या हो जाएगी 0 प्लस वन आएगी यानी 1 आ जाएगी। अगर हम लोग तो पहले इसकी निकाला अब इसकी निकालते हैं, अगर 5 अपॉन एन निकालेंगे ऐसे समझिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 अपॉन एन प्लस 1 हो जाएगा, बात समझ में आ रही, तो ये सब करके वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग 5 लिमिट एन टेंस टू 0 इनफाइनाइट 1 अपॉन एन, ये जितनी वैल्यू है इससे फंक्शन एक्स से निकलेंगी, जो फंक्शन एक्स हमारा एक्स प्लस वन है उससे, तो जब फंक्शन देखिए जब एक्स है फिर से देखिए जब फंक्शन एक्स बराबर आपको क्या है एक्स प्लस वन है ना,
तो जब यहाँ एक्स है तो एक्स प्लस वन है, अब हमें तो जीरो की वैल्यू चाहिए ना, तो जीरो निकालेंगे क्या, जीरो प्लस वन यानी क्या आ जाएगा वन। तो यहाँ पर आपका जाएगा जीरो प्लस वन, आप कह सकते हैं चाहे आप जीरो प्लस वन ही लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आ जाएगा जीरो प्लस, यहाँ पर आपका आ जाएगा, अब फिर देखिए अब आपको निकालना है फाइव अपॉन एन, तो फाइव अपॉन एन करेंगे तो फाइव अपॉन एन प्लस वन आएगा। यहाँ रखिए जब एक्स है तो एक्स, जब फाइव अपॉन एन तो फाइव अपॉन एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एक तो आपका आया है, फिर से देखिए जीरो प्लस वन आएगा, ये जीरो प्लस वन आएगा, ये आपका जो आएगा फाइव अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा, फिर डेड 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 डेड, फिर यहाँ पर जब एन माइनस वन करेंगे तब आ जाएगा आपका एक्स, यानी एन माइनस वन फाइव अपॉन एन प्लस वन, ये सारी चीजें आ जाएंगी। हम बार बार इसी में रखेंगे, चाहे इसकी निकालनी हो इसकी या इसकी, सभी इसी से निकलेंगे। जब जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस वन हो जाएगा, जब फाइव अपॉन एन रखेंगे इसकी निकालेंगे तो फाइव अपॉन एन प्लस वन हो जाएगा, ये देखिए, जब हम एन माइनस वन फाइव अपॉन एन निकलेंगे तो एन माइनस वन फाइव अपॉन एन प्लस वन। ठीक, अब ये हमने निकाल दिया, अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए फाइव तो ये हाई है। ठीक, अब जरा देखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट कितना है, वन अपॉन एन, अब वन 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 ठीक है, एक साथ है ना, इनको हिस्सा ले लीजिए वन वन, ठीक है, कितना है आपके पास वन 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 है ना, तो ये बार पहले वन 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 ले लीजिए आप, ये कहां तक है आपके पास, ये एन टर्न तक है, कहां तक है, ये एन टर्न तक है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, बाकी एक साथ ले लीजिए, जैसे देखिए वन 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 वन, ये वन और ये वन, ठीक, ये वन 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 पूरे कंप्लीट एन टर्न के साथ है, तो ये हमने वन 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 लिख के और क्या लिख दिया, एन टर्न लिख दिया, क्या लिख दिया, एन टर्न। यहाँ देखिए पहले टर्न में, दूसरे टर्न में, तीसरे सब में है, ये एन टर्न तक है, तो हमने वन वन तक एन टर्न डाल दिए, फिर प्लस लगाइए, फिर देखिए आपके पास यहाँ पहले टर्म में तो है नहीं, पहले टर्म में नहीं है, दूसरे टर्म से है, तो फाइव अपॉन एन, ठीक, फिर डैड डैड डैश करते करते कहां पे आ जाएंगे, अगर हम लोग दूसरा टर्म, ठीक है, फाइव और एन करते करते जो आ जाएंगे हम लोग डैड डैड डैश करते करते, और यहां पर जो आ जाएंगे एन माइनस वन, ये भाई हमारा हो गया, ये टर्म हो गए, ठीक, अब ये फाइव अपॉन एन हो जाएगा हमारा, और डैड डैड डैश करते 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 फाइव अपॉन एन, ठीक, ये यहां पर आ गए। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समझने की कोशिश है, देखिए वन वन पहले टर्म से ही वन वन है, पहला वन 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 कहाँ तक, एन टर्म तक है, ये एन टर्म तक होगा, फिर प्लस लगाइए, फिर पहले टर्म में तो देखिए जीरो है, पहले टर्म में क्या है, जीरो है, दूसरे टर्म से स्टार्ट हो तो फाइव अपॉन एन, फिर डेड डेड एस करते करते कहाँ आ जाएंगे, एन माइनस वन फाइव अपॉन एन, लेकिन ये टर्म याद रखिए ये एन माइनस वन टर्म तक है, मुझे क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ वन वन तो पहले दूसरे से स्टार्ट हो गया वन वन वन, लेकिन जो ये आपका फाइव अपॉन एन वाली सीरीज है इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, ठीक, तो ये दूसरे टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो जब दूसरे टर्म से स्टार्ट हो रहा है तो ये टर्म कम हो गया ना, तो ये एन माइनस वन टर्म तक है, ये याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, तो फाइव लिखिए लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन, अब देखिए वन वन को अगर हमने, हमारे पास एन टर्म है, वन वन पे कितने टर्म है हमारे पास, एन टर्म, जैसे हम कहें एक एक के हमारे पास दस सिक्के हैं तो कितने होंगे, दस रुपए हो गए, तो अगर एक एक के सिक्के हमारे पास एन है तो कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, तो एन हो गया, प्लस लगा दीजिए। अच्छा यहाँ पर देखिए फाइव अपॉन एन कॉमन ले लीजिए आप, फाइव अपॉन एन कॉमन, तो यहाँ क्या आ जाएगा वन प्लस वन, ये सब वन वन करके आते चले जाएंगे, क्या आ जाएंगे वन वन करते 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 आ जाएंगे आपके पास फाइव अपॉन एन आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा एन माइनस वन, यहाँ पर टू आएगा। अच्छा यहाँ पर आप एक टर्म ऐसा करिए, अगर आप सोच रहे हैं इसके बीच में क्या होगा तो वो हम आपको बताया दे रहे हैं क्या होगा, वरना आपको समझ नहीं आएगा, प्लस यहाँ पर टू इंटू फाइव अपॉन एन होगा, प्लस डेड एड एड करके एन माइनस वन फाइव अपॉन एन और प्लस ये। ठीक, देखिए आप समझिए, केवल हमने पहला दूसरा हमने यहाँ पर दो ही टर्म लिखे, अगर आप एक टर्म और लिखना चाहेंगे तो यहाँ क्या, जैसे यहाँ एफ ए है, यहाँ एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस एच है, तो यहाँ अगला टर्म क्या आएगा, एफ ये आएगा, एफ ए प्लस टू एच आएगा।
फिर अगला क्या आएगा एफ ए प्लस थ्री एच आएगा, जैसे एफ ए एफ ए प्लस एच, अगला टर्न क्या आएगा एफ ए प्लस टू एच आएगा, फिर एफ ए प्लस थ्री एच आएगा। तो हमने सिर्फ दो ही टर्न लिखे हैं, अगर आप चाहिए चाहिए तो एक टर्न जरूर लिख दीजिएगा, एक टर्न और लिख दीजिएगा ठीक। तो एफ ए प्लस टू एच आएगा, तो ये बाकी तो हमने रख दिया। अब यहाँ पर एक टर्म में आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो टर्म है वो एफ ए प्लस टू एच वाला जो टर्म है वो वैल्यू आएगी टू इंटू फाइव अपॉन एन, चाहे आप देख लीजिएगा। अब जब आप फाइव कॉमन एन कॉमन लेंगे तो वन आएगा प्लस टू आएगा, और डेट 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 कितना जाएगा एन माइनस वन टर्म तक आएगा, कितना जाएगा एन माइनस वन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ समझिए, अगर वन वन के आपके पास एन टर्म है, कितने हैं, जैसे एक एक के आपके पास दस सिक्के हैं, कितने हैं एक एक के आपके पास दस सिक्के हैं, तो कितने हो जाएंगे दस रुपए हो जाएंगे। तो अगर एक एक के आपके पास एन सिक्के हैं तो एन सिक्के हो जाएंगे भाई। अगर एक एक के पांच, एक एक के पांच सिक्के हैं तो पांच रुपए हो जाएंगे। अगर एक एक के एन टर्न वाले एक एक के एन सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे एन हो जाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया, फाइव अपॉन एन कॉमन ले लेते, ये वन आ गया, यहाँ टू आ जाएगा, डैश डैश करके ये एन माइनस वन टर्म क्यों लिखा, क्योंकि ये वन वन आपका तो पहले दूसरे तीसरे से सब स्टार्ट है, लेकिन जो ये फाइव अपॉन एन है ये दूसरे टर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो एक टर्म तक है ना, इसलिए ये एन माइनस वन टर्म तक निकालेंगे। अच्छा ये आ गया, अब हम थोड़ा और आपको समझाते हैं। फाइव लिखिए, लिमिट एन इनफाइनाइट वन अपॉन एन, ठीक वन अपॉन एन, अच्छा यहाँ एन लिखिए प्लस फाइव अपॉन एन लिखिए। अच्छा इसको हम आपको अलग समझाते हैं, ये देखिए वन प्लस टू प्लस थ्री डेड एड एस एन माइनस वन टर्म है ठीक। हम आपको पहले एक चीज बताते, पहले एन माइनस वन तो छोड़िए, अगर एन टर्म तक होते हैं, एक से लेके एन टर्म तक अगर आपका होता है तो फार्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू ठीक। लेकिन ये एन टर्म तक है, एक दो तीन तक है एन टर्म तक, तो एन ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू होता है। लेकिन यहाँ क्या है एन माइनस वन है, क्या है अब हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं, एन माइनस वन टर्म है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा एन की जगह क्या हो जाएगा एन माइनस वन हो जाएगा, या एन की जगह क्या हो जाएगा एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू। जो ये हमने बताया था वो एन टर्म तक था, एक से लेके एन तक सम था, एन 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 ब्रैकेट एन प्लस वन अपॉन टू। देखिए अगर एन माइनस वन तक आएगा तो यहाँ एन की जगह एन माइनस वन, एन की जगह एन माइनस वन और प्लस वन अपॉन टू, ये देखिए कट जाएगा। तो सिर्फ एन एन क्या बचेगा एन एन माइनस वन अपॉन टू, क्या बचेगा एन एन माइनस वन अपॉन टू ठीक। ये वैल्यू हम यहाँ देख लेते हैं एन एन माइनस वन अपॉन टू, एक आएगा क्या बचा एन एन माइनस वन अपॉन टू, ये एन एन माइनस वन अपॉन टू, तो इससे एन से एन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए जरा जो बचा लिखिए, ये फाइव इंटू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट वन अपॉन एन ब्रैकेट में एन ब्रैकेट में क्या है एन प्लस फाइव अपॉन टू, जरा ऐसे लिखिए फाइव अपॉन टू यहाँ लिखिए, अच्छा फाइव पॉइंट टू लिखा। अब इसमें एन माइनस वन में कुछ कॉमन तो नहीं, लेकिन एन कॉमन ले लीजिए आप, इसका भी एडवांटेज बताएंगे क्या एन कॉमन ले, जब एन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ वन माइनस वन अपॉन एन आएगा, वन माइनस वन अपॉन एन आएगा, कुछ नहीं कि एन वही है हमारा फाइव अपॉन फाइव पॉइंट टू पहले ले लिया, एन माइनस वन में हमने एन कॉमन ले लिया तो वन माइनस वन अपॉन एन आ गया। आप देखिए एन कॉमन इसलिए लिया ताकि एन कॉमन ले लें, एन से एन कैंसिल, ये एन हमने कॉमन क्यों लिया क्योंकि यहाँ एन था, तो अगर यहाँ एन है तो एन एन कॉमन ले लेंगे, एन कैसे हो जाए इसलिए लिया था। अब देखते हैं जरा फाइव इंटू लिमिट एन इनफाइनाइट, ठीक फाइव हो गया लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट हो गया वन अपॉन एन इंटू, अब इन दोनों में एन कॉमन ले लो, एन जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, वन लिखिए प्लस फाइव अपॉन टू लिखिए, फाइव अपॉन टू लिखा हमने और क्या आ गया वन माइनस वन अपॉन एन, ठीक है कुछ सब कुछ वही है, सब एन कॉमन ले लिया, तो जब एन कॉमन ले लिया वन आ जाएगा फाइव अपॉन टू आ जाएगा और वन माइनस वन अपॉन एन, क्योंकि एन एन तो यहाँ गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एन एन कैंसिल कर दीजिए ठीक। अब इसकी वैल्यू देखिए लास्ट में क्या आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू देखिए, अब वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, पहले फाइव ऐसे जैसे रखा है फाइव का रही है ठीक, एन इनफाइनाइट रखिए कहाँ रखेंगे जहाँ एन होगा, तो पहले एन इनफाइनाइट हम वैल्यू रखने जा रहे हैं, पहले ब्रैकेट लगाइए वन प्लस फाइव अपॉन टू, फाइव अपॉन टू वन माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट, कुछ नहीं किया फाइव वही रखा इनटू वही रखा, अब हम लिमिट रखने जा रहे हैं एन की जगह इनफाइनाइट, तो वन प्लस फाइव अपॉन टू वन माइनस वन एन की जगह इनफाइनाइट,
अच्छा देखिए सॉल्व करते हैं, तो 5 हो गया, कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया इंटू 1 प्लस 5/2, कितना आ गया 5/2, क्योंकि 1/5 इनफाइनाइट क्या होता है 0, और 1 से 0 जाएगा क्या 0 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा फिर से देखिए ये 5 इंटू 1 लिखा 5/2, यहाँ 1 यहाँ 1, ये 1/5 मतलब क्या होता है 0, तो 1 - 0 क्या 1, यानी सिर्फ 5/2 मिलेगा। अब अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 × 2 और 5 यानी हमारा आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, कुछ नहीं किया बस एलसीएम ले लिया 2, जब एलसीएम ले लेंगे 2 यहाँ जाएगा 2+5 कितना हो जाएगा 7/2, 5 तो बाहर चल ही रहा है तो कितना आ जाएगा 35/2, ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप लोग लिमिट ऑफ सम वाले मेथड से 35/2 की वैल्यू आ गई। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है इतना क्लियर है ना, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।